अस्सलामुअलैकुम एंड की हालचाल है शहजादे हो फिट फाट उम्मीद है खैर खैरियत से होगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा भाई आज हमारी भाई नुमान भाई के साथ फाइट हुई है ट्रिकी हंटर के साथ, ठीक है, और रोले भी छिड़ गया भाई, बड़ा रोला हुआ हमारा, इनसे फटा हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो लाजमी से पूरी देखनी और आप लोगों को भाई चस ना आए ना तो पैसा वापस। अभी पहला क्लच हमारा निकल के आता है न्याजी 786 के ऊपर। अभी यह न्याजी 786 का पूरा स्क्वाड होता है यहाँ पे, ठीक है, फेरो शेरो इन्होंने पहन रखे होते हैं। अब भाई इनके ऊपर पूरा 1v4 होने वाला है आपके भाई का, तो भाई 1v4 चेक करो यहाँ पे भाई न्याजी 786 के ऊपर आपके भाई ने 1v4 किया। अब नाम आप लोग देख सकते हो भाई, पूरे 4 बंदे होते हैं और मेरे ऊपर पुश हो रहा होता है, हर तरफ से मुझे पड़ रही होती है। अब यहाँ पे न्याजी मेरी बिल्डिंग के नीचे होता है और उसके टीममेट 3 के 3 मेरे सामने होते हैं। एक बंदा मैं नॉक कर चुका था, मुझे पता था उस बंदे को रिवाइव देने जाएंगे ये लोग। पहले तो मैं नीचे आके न्याजी को थोड़ा सा डराता हूँ ताकि ये रश ना करे और मैं दूसरे बंदों को काबू कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ, मुझे पता था कि क्रॉस करके रिवाइव देने जाएगा, तो होता भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे मैं पहले तो हील कम्प्लीट कर दूँ अपनी और क्रॉस करके रिवाइव देने जा रहा होता है तो मैं इसको दोबारा काबू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इनके 2 बंदे नॉक हो चुके हैं, प्रेशर इनके ऊपर बन चुका था। अब सीढ़ियों से न्याजी भी आ जाता है मेरे ऊपर रश करने, मुझे पता था ये आएगा, मैं इसके लिए रेडी बैठा था। थोड़ा सा फ्री फायर देता हूँ, इसको डैमेज देता हूँ, ठीक है, एक आधी बुलेट लगती है इसको। अब यहाँ पे इसकी हाफ HP हो चुकी थी न्याजी की, पर मैं फिर भी रश नहीं करता क्योंकि भाई दूसरी बिल्डिंग से इसका टीममेट इसको कवर दे रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे रश करता तो आई थिंक सो मुझे ले जाते, पर यहाँ पे भाई मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ। मुझे आइडिया हो चुका था कि भाई तीसरा बंदा भी क्रॉस करके रिवाइव देने जाएगा, होता भी वैसे ही है, इनके साथ फुल माइंड गेम करते और इसी के साथ तीसरे बंदे को भी नॉक कर देते हैं। अब न्याजी और मेरी 1v1 फाइट है, 1v4 आपके भाई का कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे इजी मैंने ले लेनी थी फाइट क्योंकि 1 की वेस्ट है उसके पास, इजी एक आधी गोली मारता है, ये दीप पहन दिया भाई। तो खैर भाई वहाँ पे वो बंदा आ गया, मेरा क्लच मिस कर देता है, कुछ मेरा यही रिएक्शन था भाई रियल गेम में भी, ठीक है। अब यहाँ पे भाई फुल ट्रिकी हंटर से हमारी फाइट है, देख सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे मैं पहला बंदा इनका नॉक कर देता हूँ, लगे हाथ फिनिश भी करा देते हैं। अभी तक तो थोड़ा सुना सुना माहौल चल रहा था, अभी जो आने वाला है ना भाई वीडियो पूरी देखना, इनसे मेरा रोला हो जाने वाला है, फटा होता है, लड़ाई होती है इनसे मेरी। अब यहाँ पे मैं ट्रिकी हंटर को नॉक कर देता हूँ और इसका दूसरा बंदा आके मुझे डाउन कर देता है क्योंकि मेरे पास हेलमेट वगैरह नहीं होती और हीलिंग भी नहीं मैंने पूरी की होती। अब ये मैंने तुम लोगों को एनिमी व्यू दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ, उसके बाद अब यहाँ पे अगेन फाइट होती है, पूरे 4 बंदे मेरी बिल्डिंग के नीचे होते हैं। अब एक बंदा मैं इनका नॉक कर देता हूँ और बाकी के 3 बंदे मेरे ऊपर पुश करा रहे होते हैं। अब यहाँ पे मेरी हाफ HP होती है, मैंने किडनी लगाई होती है, ठीक है, अगेन ये मुझे नॉक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आप लोग इनकी बातें सुनो, देरी मारना नहीं, मारना नहीं, मार भी मारना नहीं था उसको। हेलो हेलो डेरी, कैसा है सुना? अबे यार हद है भाई, यार कैसे आ रहे हो मैच? अरे हम मैचिंग करके आ रहे हैं तेरे साथ एकदम हैवी। थैंक यू। बता के आना स्ट्रीम स्नाइप करके जब भी आना। अब यहाँ पे तुमने सुन लिया होगा कि मैं चैलेंज करा देता हूँ कि भाई मैं दोबारा आ रहा हूँ और मैं दोबारा आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अगेन नुमान भाई से फाइट होती है, यहाँ पे इनको मैं नॉक कर देता हूँ। इनका POV चेक करो, लेफ्ट पे है। उसके बाद भाई दोबारा प्रॉपर तरीके से मैचिंग की जाती है और मेरा टीममेट सामने इनका बंदा एक नॉक कर देता है। अब दोबारा हमारी इनसे फाइट होती है यहाँ पे, ठीक है, नेड कराता हूँ मैं, पहला बंदा इनका नॉक हो जाता है, इसी के साथ मेरा टीममेट भी एक नॉक पड़ जाता है। यहाँ पे अब भाई फुल फाइट होने वाली है, नुमान भाई आते हैं यहाँ पे, नुमान भाई को मैं डाउन कर देता हूँ, इसलिए अब इनकी बातें सुनो आप लोग। अबे नेड आया नुमान, आ जा नीचे आ जा। अबे मैं हेल्प कम है यार। अबे यार राज तू भी नॉक है, मेरी हेल्प ही होनी थी भाई, मांग रहे। अरे यार सारे बंदे नॉक कर दिए हैं यार, डेरी क्या किया, एक बंदा तो जिंदा छोड़ देते यार। ओए इधर ही है मसब, इधर ही आ रहा है, रुक हमारा टीममेट आ रहा है मसब, सीधा पहुंच टावर में मसब, आ रहा है हमारे बंदा, आ रहा है उसको मारना नहीं है, बंदा ये हमारा बंदी है गाड़ी में। गुल भाई क्या हाल चाल है मसब, आ जा मेरी जान, सुनाओ क्या हाल चाल है। अरे सुना गुल भाई को, डेरी सुना कैसे है गुल भाई को? अरे यार गुल भाई को, गुल भाई का नेट नहीं चल रहा। राज ओए राज को हाथ रखो मसब, राज को हाथ रख पहले, गुल को हाथ रख, गुल मर रहा है, गुल को हाथ रख, गुल मर रहा है, आ जा आ जा जल्दी जल्दी पकड़ो नुमान भाई को, पकड़ो। सुना डेरी आज फिर फाइनली नॉक कर ही लिया, शाबाश, क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए। नॉक तो मैंने कल भी किया था, परसों भी किया था,
और उससे अगले दिन भी किया था, और इतनी दफा नॉक होने के बावजूद भी आप आगे बोल रहे हो फाइनली नॉक कर लिया है। हसदे चेहरिया का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होता। बिल्कुल सही। अब दोबारा प्रॉपर तरीके से मैचिंग की जाती है और दोबारा ये हमारी लॉबी में होते हैं। अब यहाँ पे ये लोग नॉक पड़े होते हैं, किल मैसेज देख लो, आपके भाई ने यहाँ पे एक बंदा नॉक किया, इनको कवर दिया, ठीक है। अब ये लोग स्ट्रीम स्नाइपर होते हैं जो कि नुमान भाई को मारने आए होते हैं। अब यहाँ पे आपके भाई का कवर चेक करना और यहाँ पे मैं इनको छोड़ देता हूँ, तो चेक कर दो। राज गुल ले ले। अब ये डेरी है, डेरी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हाथ रखो, ये डेरी लोग हैं, छोड़ दो, छोड़ दो, हाथ रखो, हाथ रखो। अब यहाँ पे भाई मैं इन लोगों को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे हमारा मैंने कहा टीम अप करेंगे, फुल टीम अप के मूड में होता हूँ। और यहाँ पे आते हैं जनाब गन्ने लेके वड्डी वड्डी रेडी होते हैं और मेरे साथ ये कमांडो कर देते हैं। अब उसके बाद जहाँ तक सॉफ्टवेयर अपडेट की बात आई गई है, तो यहाँ पे कुछ छक्कुओं का सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है। अब इस बंदे को यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ, उसके बाद इसका दूसरा बंदा मेरे ऊपर पुश कर रहा होता है, जिसने मुझे भाई इवेंट में नॉक करके मुक्के कराए होते और माँ बहन की गालियाँ निकाली होती, वो भी बिला वजह। अब बिला वजह जो मुझे गालियाँ निकालता है आपको पता है, मैं उसको छक्कू पर बिठा के झूले देता हूँ। अब यहाँ पे ये बंदा भाई मैं नॉक कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको थोड़े से छक्कू पे बिठा के झूले देता हूँ और यहाँ पे दोबारा से मैं इसकी संडे के तेल से मालिश करता हूँ, ठीक है। अभी देखना मालिश मैंने कैसे स्मूथ तरीके से करनी है, ये की मालिश अभी देखना। आए 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 आए, यहाँ पे अब अगेन ये वाले बंदे रिकॉल होके आते, ठीक है। इनमें इतनी सी भी गैरत नहीं होगी होती, मेरा मतलब है कि ये मुझे मार दे। अब यहाँ पे देख सकते हो भाई ये बंदा फ्री फायर वगैरह देर होता है, इसको मेरी लोकेशन पता होती है, मुतमइन बगैरत लोग होते हैं ये। अब यहाँ पे इनके ऊपर 1v3 ओके की रिपोर्ट में होने वाला है, तो आप लोग ये वाला पहले चख लो। लख दी लानत तेरे ते आथू। तो खैर नुमान भाई के साथ जो कुछ भी हुआ जस्ट फॉर फन था, ठीक है। किसी ने दिल गुर्दों फेफड़ों पे नहीं लेना, नुमान भाई अपना लव है, ठीक है। नुमान भाई से मेरी अच्छी दोस्ती है। अब उसके अलावा भाई अगर आप लोगों को 1% भी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुम लोग ट्रिकी अंडर के ऊपर 1v4 चाहते हो तो जल्दी जल्दी से भाई मुझे कमेंट में बता दो। और भाई इस वाली वीडियो का लाइक एम रखते हैं भाई, पूरा 50 लाइक एम रखते हैं। अगर 50 लाइक्स तुम इस वीडियो पे करा देते हो तो नेक्स्ट वीडियो भाई ट्रिकी अंडर के ऊपर 1v4 की आने लगी है, तो जल्दी जल्दी से करा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।